हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। तो 3 दिनों की बारिश के बाद आज देखिए अभी बारिश बंद हुई है। पता नहीं फिर से बारिश शुरू हो सकती है कभी भी। धूप क्योंकि बिल्कुल भी नहीं निकली है और अभी तक फ्लावर में सब में पानी भरा हुआ है और थोड़ा वेट की वजह से क्रिसेंथेमम झुक भी रहे हैं, तो इनमें मुझे स्टेकिंग लगानी पड़ेगी नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएंगे सारे। और कुछ मैंने लगा भी दी है, इन दोनों प्लांट को मैंने थोड़ा बांध दिया है। ये देखिए ये भी पूरे इधर झुक गए थे और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अभी बारिश की वजह से सब इधर उधर हो रहे हैं प्लांट। तो ये देखिए मैरीगोल्ड के भी फ्लावर एकदम, पानी इतना ज़्यादा वेट हो गया है कि इनमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है पानी। और ये वाला प्लांट देखिए मेरा बिल्कुल से झुक गया है। इस पर मैंने लगाया भी था लेकिन इसकी ब्रांच बहुत लंबी लंबी सी हो गई थी और इतना ज़्यादा इनमें पानी भरा हुआ है अभी, तो इस तरह से। और पिटूनिया तो बिल्कुल से, फ्लावर पूरे ख़राब हो गए हैं और 2 प्लांट तो मेरे बिल्कुल इतने ज़्यादा टूट गए हैं क्योंकि उनमें मेरा बेटा फिसल कर गमले के ऊपर ही गिर गया था, उसको भी चोट लग गई और प्लांट तो देखिए कैसे हो गए हैं सारे। तो ये देखिए ये पूरा जो रेड कलर के प्लांट थे मेरे सारे, इसकी ब्रांच टूट गई हैं। और यहाँ पर भी एक प्लांट है मेरा जो इसमें पर्पल इस कलर के फ्लावर आते थे, ये वाले, तो उसकी भी सारी ब्रांच टूट गई हैं ये देखिए। और प्लांट भी डैमेज हो गया और उसके हाथों में भी काफ़ी चोट लग गई, तो इस तरह से चल रहे हैं। और अभी जाके बारिश रुकी हुई है थोड़ा सा, ये देखिए रेंथस। कुछ प्लांट को तो मैंने रात में उठाकर अपने घर के अंदर रख लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और इधर ये देखिए सारे एटोरेनिया में भी मेरे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पानी का असर हो गया है। और कलंचों में देखिए छोटी छोटी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं और इसमें मुझे नीम ऑयल का स्प्रे करना है थोड़ा सा, इसमें थोड़े पेस्ट भी दिख रहे हैं। तो अभी तो बिल्कुल धूप भी नहीं निकली इस वजह से फिर मैंने नहीं किया। और कैलेंडुला के फ्लावर देखिए बिल्कुल भीगे हुए से कैसे दिख रहे हैं, एकदम चिपक गए हैं ये भी। ये बेगोनिया और इन सारे प्लांट को उठाकर मैंने रात को अंदर रख लिया था, पेंजी और ये विनका जेरेनियम वगैरह को, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पानी अगर पड़ जाता तो फिर प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए इधर ये एक क्रिसेंथेमम, ये देखिए जो ब्रांच सारी टूट गई थी उनको मैंने कटिंग लगा दिया है पिटूनिया के, शायद ये लग जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी कटिंग से भी लग जाता है इजली। और इधर ऐसे ही डेंथस की भी कटिंग लगाई है देखिए। तो ये देखिए क्रिसेंथेमम, क्रिसेंथेमम के प्लांट काफ़ी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि पूरे प्लांट इनके गिर गए हैं और इतना ज़्यादा इनमें पानी भरा हुआ है देखिए। सारे प्लांट इतने सुंदर फ्लावर आए थे, काफ़ी दिनों तक अभी चलते भी, लेकिन बारिश की वजह से इनके सारे फ्लावर भी अब ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए येलो वाले के तो ख़राब भी हो गए हैं क्योंकि 3 दिनों से बारिश होती रही लगातार और काफ़ी सारे प्लांट भी पूरे देखिए कैसे हो गए हैं सब, तो इस तरह से चल रहे हैं ये। और जो ये रेड कलर वाले, इनके कलर तो अभी क्योंकि अभी खिलना स्टार्ट हुए थे और ठीक है, अभी जो नहीं खिले हैं वो अच्छा है क्योंकि बचे रहेंगे थोड़े से प्लांट, इनमें अभी खिलना स्टार्ट नहीं हुए थे। और मैरीगोल्ड के भी देखिए, और ये फ्लावर इधर, इधर स्ट्रॉबेरी में भी थोड़ा सा पानी का असर हुआ है, इसके कुछ पत्ते भी ब्लैक हो गए हैं। और ये देखिए एक फ्रूट भी ब्लैक कलर, इसकी भी पूरा पानी की वजह से ही शायद ये हो गया होगा ऐसा, या तो फिर ज़्यादा ठंड की वजह से भी हो सकता है क्योंकि पाला भी जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो भी लग जाता है प्लांट को, उससे भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और पिटूनिया के तो
सारे फ्लावर जो कल परसों के फ्लावर थे सारे ख़राब हो गए थे, आज ये नए खिले हुए हैं। ये कुछ ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। यहाँ के पिटूनिया थोड़े ठीक दिख रहे हैं। कुछ फ्लावर हैं जो अभी मैं हटा दूंगी सारे फ्लावर को, बहुत सारे फ्लावर हैं जो हटाने लायक भी हैं। और गजानिया में देखिए, तीन दिन से तो इनमें फ्लावर आ ही नहीं रहे थे, खिल ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल। आज बारिश बंद हुई है तो इनके तीन फ्लावर खिले हैं, और एक ये अभी खिलने वाला है, और एक ये खिलेगा अभी। और नीचे से बहुत सारी अच्छी ब्रांच आ रही हैं, और वो भी आ रही कलियाँ भी। तो इस तरह से चल रहा है गार्डन में। और अब बारिश ना हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर प्लांट पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं। और डेंथस में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, प्लांट भी ठीक ठाक है। वर्बीना का मैंने ये स्टेम फ्लावर जो था सूखा हुआ उसको हटा दिया है। और ये देखिए स्ट्रॉबेरी का ये फ्रूट सूख रहा है ये वाला, और ये अच्छा है, यानी हेल्दी फ्रूट निकला है एक, और एक इधर भी निकल रहा है। तो बारिश से नुकसान तो होता ही है, विंटर की बारिश खास कर, क्योंकि विंटर में इतनी ज़्यादा ठंड भी बढ़ रही है इस समय, और प्लांट भी थोड़े डैमेज हो रहे हैं सारे। सबसे ज़्यादा क्रिसेंथेमम को ही नुकसान हो रहा है, बाकी तो सब थोड़े ठीक ठाक ही हैं। डहेलिया में देखिए कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं देखिए। और इधर रोज़ के फ्लावर अब बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे। कुछ नए भी आ रहे हैं, कुछ पुराने जो कि खिल चुके हैं। और मैंने इनके लिए एक फर्टिलाइज़र भी तैयार करके रखा है, जैसे इनके फ्लावर कट करूँगी तो फिर मैं वो फर्टिलाइज़र इनमें डालूँगी, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए इसके भी पेटल्स आज झड़ रही हैं। तो यही चल रहा है सब। और मैंने कुछ अभी नया अपने गार्डन में किया भी नहीं है, क्योंकि बारिशों की वजह से मैं न्यू ईयर में एक दो कुछ नए प्लांट्स लाना चाहती थी, लेकिन फिर मैं नहीं जा पाई। और अभी देखूंगी अगर हो सकेगा तो फिर जाऊंगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।